हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल इयर्स मैथ्स पेपर सेकंड्स की चर्चा करेंगे, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जानने थे, तो आज उसी पर वीडियो लाए हैं कि मैथ्स पेपर जो सेकंड है, वास्तविक एवं सम्मिश्र विश्लेषण, उसके हर टॉपिक, हर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो तो हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल वीके कंपटीशन क्लासेस पर जाइएगा, और वहाँ अगर आप डिमांड करेंगे क्वेश्चन के आंसर की, तो हम आपको आंसर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा देंगे। याद रखिए, चैनल का नाम ही है वीके कंपटीशन क्लासेस। ओके, लिंक भी दे देंगे हम इस पर। तो स्टार्ट करते हैं इकाई फर्स्ट से। तो इकाई फर्स्ट जो जो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है रीमान समाकल से क्वेश्चन बनेंगे, समाकलनों की माध्यमान प्रमेय से, आंशिक अवकलज एवं अवकलनीयता, और श्वार्ज एवं यंग के प्रमेय। इन चार टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो नज़र में हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को विशेषकर ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एज योर विश। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमारी तबीयत ठीक है, थैंक यू, अब हम आराम से आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एफ सच दैट ए वी टेंस टू आर परिबद्ध है, तो ए वी के किसी विभाजन बी के लिए एल पी एफ और यू पी एफ भी परिबद्ध होंगे। एक पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एल पी एफ और यू पी एफ को बताना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है कि यदि एफ सच दैट ए बी टेंस टू आर परिबद्ध है तथा पी ए बी का कोई विभाजन है, तब एल पी एफ इज लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ, इसको प्रूव करना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, संभावना है ऐसी, ठीक है। आगे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डार्बू प्रमेय से। डार्बू प्रमेय क्या है? एक थ्योरम है कि मान लो एफ ए सच ए बी टेंस टू आर एक परिबद्ध फलन है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा डेल ग्रेटर देन जीरो विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन पी के लिए क्या होगा, यू पी एफ लेस देन इंटीग्रेशन ए टू माइनस वी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, तथा एल पी एफ इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन माइनस ए टू वी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, जबकि विभाजन पी का मानक मॉड ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा। चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक संतत फलन रीमान समाकलनीय होता है। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट इकाई है ना, इसके जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं, चार पाँच छः, इनको कर लीजिएगा, इन्हीं में से आ जाएंगे, टॉपिक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, बस ये दो क्वेश्चन और हैं, इन छः क्वेश्चनों को कर लीजिएगा और यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। दर्शाइए कि फलन जो परिभाषित है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो जाएंगे तो जीरो ही मान आएगा। तो बताना है मूल बिंदु पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न फलन के लिए श्वार्ज प्रमेय को सत्यापित करना है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ भी एक्स वाई अगर जीरो नहीं है तो ये एक्स वाई जीरो हो गई तो जीरो माना जाएगा। तो इन छह क्वेश्चन को अच्छे से कर कर जाइएगा और यहाँ पर आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब आगे से जो यूनिट होगी उनके टॉपिक भी देखते जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट सेकंड। अब हम आ गए हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है, एक तो अभिसरण व अभिसारिता का परीक्षण से क्वेश्चन बनते हैं, अवकलन व समाकलन से क्वेश्चन बनते हैं, और तीसरा है फूरियर श्रेणी से क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बनने की संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटिव डी एक्स अपॉन एक्स एन व इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर का अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए।
अभिसरण का परीक्षण करना है इन दोनों का, ठीक है। यही पहला है अभिसरण व अभिसारिता का परीक्षण। तो दूसरे क्वेश्चन में वही है कि इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है फूरियर श्रेणी के बारे में कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या एक्स की वैल्यू है माइनस पाई से बड़ा है और पाई से छोटा है तथा एफ एक्स प्लस टू बाई टू पाई इक्वल टू एफ एक्स की फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अतः निगमन कीजिए कि पाई स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉन सिक्सटीन प्लस डैश डैश डैश। और सेकेंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि श्रेणी एक श्रेणी दी हुई है कि टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस डैश डैश डैश। इसमें क्या बताना है? इसमें अंतराल जीरो टू पाई में फलन पाई माइनस एक्स को निरूपित करती है श्रेणी का योगफल क्या है जब एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू पाई हो। देखिए यूनिट सेकंड से जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें समाकलन और अवकलन के जो जो सूत्र हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ सिंपल भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिनमें आपको समाकलन या अवकलन याद करना हो। ज़्यादातर इससे समाकलन के क्वेश्चन आते हैं तो आप पर वो बनने चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट, यूनिट थर्ड पर। तो यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं, एक तो दूरिक समष्टि से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, कौशी अनुक्रम से क्वेश्चन बनते हैं, कैंटर का सर्वनिष्ठ प्रमेय और पूर्ण क्रमित क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दूरिक समष्टि में प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम होता है। इसको अच्छे से कर जाइएगा क्योंकि ये पूछ लेते हैं, बहुत बार आ गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कैंटन सर्वनिष्ठ प्रमेय को समझाना है आपको कि कैंटन का सर्वनिष्ठ प्रमेय कौन सा है। तो इसमें क्या है कि मान लो एक्स डी एक पूर्ण दूरिक समष्टि है, कि मान लो कि एक्स के अतिरिक्त समवृत्त उपसमुच्चयों का एक समावेशी अनुक्रम एफ एन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटो इस प्रकार है कि डेल्टा एफ एन इक्वल टू डाई डी आई एम एफ एन टेंस टू जीरो, जब एन टेंस टू इन्फिनिटो तब सर्वनिष्ठ एन माइनस वन इन्फिनिटो एफ एन इक्वल टू फाइव तथा कम से कम एक एक्स एप्सिलॉन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटो एफ एन है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर सीधा पूछ सकते हैं कि कैंटन सर्वनिष्ठ प्रमेय को समझाइए, ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन है कि आर आर का आर्कमिडीय प्रगुण बताना। प्रगुण आर्कमिडीय प्रगुण आ जाएगा यदि x और y दो दी हुई वास्तविक संख्या हैं तथा x ग्रेटर देन जीरो तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व है कि n x ग्रेटर देन y, इसको बताना है। पांचवा क्वेश्चन बेयर संवर्ग प्रमेय से है। देखिए कौशी अनुक्रम का ध्यान रखिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा उसको क्योंकि कौशी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेयर संवर्ग प्रमेय के बारे में क्या है कि कोई भी पूर्ण दूरिक समष्टि द्वितीय संवर्ग का एक समुच्चय होता है। छठवा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है। तो इन छह क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ये यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गई। अब यूनिट फोर्थ पर चलते हैं। यूनिट फोर्थ के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो है सतत फलन एवं सतत समुच्चय, दूसरा है विस्तार प्रमेय और तीसरा है अनुक्रमणीय सहजता पूर्ण परिबद्ध समष्टि। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक है क्या है कि मान लो एक्स डी तथा वाई पी दो दूरिक समष्टियां हैं और एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई एक फलन है, तब एफ संतत है यदि और केवल यदि एफ इनवर्स जी एक्स में विव्रत है जब कभी जी वाई में विव्रत है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि मान लो एक्स डी तथा वाई पी दो दूरिक समष्टियां हैं तथा एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई एक संतत फलन है, यदि एफ एकाई आच्छाद है या आच्छादक है और एक्स संहत है तब एफ इनवर्स संतत है, इसको प्रूव करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मान लो
एक्स डी बाई पी तथा जेड जेड रो तीन दूरेक समिष्टियां हैं। मान लो एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई और जी सच दैट वाई टेंस टू जेड संतत फलन है, तब जी ओ एफ एफ और जी का संयोजित फलन संतत है। अब लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि माना एफ सच दैट एक्स पी वन बाई पी टू में एक संतत प्रतिचित्रण है। माना कि एक्स पी वन एक सुसंबद्ध दूरेक समष्टि है, तो दर्शाना है कि एफ एक समान संतत प्रतिचित्रण है। तो ये चार क्वेश्चन हैं और तीन टॉपिक हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये लगभग हर यूनिट से चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन निकाले गए हैं, तो पहले इनको कवर कर लीजिए, फिर जो जो आईएमपी टॉपिक हैं उनको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट यूनिट पर, यूनिट फिफ्थ पर। यूनिट फिफ्थ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो एक तो सम्मिश्र संख्याओं के मापांक व गुणांक से सबसे सरल यूनिट है, अगर एक बार समझ ली होगी आपने तो बहुत सिंपल यूनिट है ये। दूसरा है सम्मिश्र फलनों की सांतत्यता और अवकलनीयता से। तीसरा है वैश्लेषिक फलन से। चौथा है कॉची रीमान समीकरण से। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि एक फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई आयोटा वी एक्स वाई के एफ के प्रांत डी के किसी बिंदु जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पर विश्लेषक होने पर आवश्यक प्रतिबंध यह है कि चार आंशिक अवकलज यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई अस्तित्व में हो और समीकरण यू एक्स इक्वल टू वी वाई और वी यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स को संतुष्ट कर दें। दूसरा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सभी है ना, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो और ज़्यादा बता देते हैं। यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी एक विश्लेषिक फलन है तथा जेड इक्वल टू आर ई रेस टू आयोटा थीटा, जहाँ यू भी आर थीटा सभी वास्तविक हैं, दर्शाना है कि कॉची रीमान समीकरण डी यू अपॉन डी आर इक्वल टू वन अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा और डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी यू अपॉन डी थीटा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि फलन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मोड ऑफ एक्स वाई मूल बिंदु पर नियमित नहीं है, यद्यपि उस बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न के मापांक व गुणांक ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है टू प्लस आई अपॉन थ्री माइनस आई होल स्क्वायर और दूसरा है वन प्लस टू आई अपॉन वन माइनस आई का होल स्क्वायर। ये दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है शॉर्ट में। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि मोबियस रूपांतरण की परिभाषा दीजिए। वह मोबियस रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो वन आई माइनस वन को आई जीरो माइनस आई में रूपांतरित करता हो। लास्ट में क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन कौन सा है, वह है कि एक प्रांत डी में एक मानी फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई विश्लेषक होता है यदि चार आंशिक अवकलज यू एक्स यू वाई यू वाई वी एक्स वी वाई विद्यमान है, संतत है और डी के प्रत्येक बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। तो ये यूनिट फिफ्थ तक सभी जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई मैथ्स पेपर सेकंड्स की। अगर आपको इनके आंसर की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम पर कमेंट कीजिएगा, वीक कॉम्पिटिशन क्लास से है, नहीं है तो आप इनको कवर कीजिएगा। और अगर कोई भी अलग और एग्ज़ाम की जानकारी चाहिए हो या कुछ और जो कुछ भी आपकी आवश्यकता हो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर जल्द से जल्द उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।